एवरीवन, दिस प्राची। सो गाइस, आज की जो वीडियो है मैं आपके साथ एक ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ। वो ब्लॉग गाइस एक आउटिंग का ब्लॉग है। अभी से मेरा तो पूरा मेकअप फेल हो गया। अभी तो मैं हेलमेट भी पहन रहा हूँ। मैं तो नहीं पहन रही। तो चालान तो मैं 2000 रुपये। एवरीवन, सो हम लोग आ चुके अपनी मंजिल की तरफ। एज आई टोल्ड यू गाइस कि मैं काउटिंग का व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। सो गाइस, ये जो व्लॉग है ये एक राजस्थानी लुक चोखीधानी टाइप का ही एक जगह है नोएडा में, जिसको चोखी हवेली के नाम से जाना जाता है। सो गाइस, ये जो जगह है ये काफ़ी मतलब थोड़ी सी अब जगह में बनी हुई है, लेकिन ये काफ़ी अच्छी है। सो गाइस, इसका जो व्यू है ये बाहर का व्यू है, ये भी काफ़ी अच्छा है गाइस। बिल्कुल राजस्थानी कॉन्सेप्ट पर ही बना हुआ है ये भी। तो गाइस, अब चलते हैं आगे। इस तरह से गाइस इसकी मेन एंट्री पर जब हम एंटर करते हैं तो जो भी आने वाला होता है, एंट्री करता है गाइस, उसको इस तरह से टीका लगाया जाता है। देन सी गाइस, इसमें जो लैंप PTC सीलिंग पर लगाए गए हैं ये भी काफ़ी ब्यूटीफुल हैं गाइस। ये भी राजस्थानी टच में ही है। सो आगे बढ़ते हैं गाइस। एंड गाइस, अगर आप इसकी टिकट प्राइस की बात करें तो ये 499 पर पर्सन है। एंड जो ये सामने चार्ट दिख रहा है, इसमें सारी एक्टिविटीज़ आपको फूड के साथ साथ इंक्लूड होकर मिलती है गाइस सेम प्राइस में। बेटा एंजॉय करते हैं। एंट्री होते ही गाइस आपको इस तरह से गाना गाते हुए लोग मिलेंगे। काफ़ी अच्छा गाना गा रहे थे गाइस, राजस्थानी सॉन्ग भी गा रहे थे, नॉर्मल सॉन्ग्स भी गा रहे थे गाइस। इनकी वॉइस बहुत अच्छी थी। इसके बाद गाइस आपको और काफ़ी चीज़ें हैं, मैजिक शो है एंड कठपुतली डांस, कालबेली डांस। सर ये लीजिए सर, सिक्का चेक कर लीजिए कितना है। तो सर फिर तो नहीं है ना सर, आपका शूज ओपन कर दीजिए, आपके हाथ में 3 सिक्के शूज ओपन हो गए सर। ये मुझे बंद कीजिए सर, सर आप 3 बार फूट पाल लीजिए, रख दीजिए सर इसको। बाद मैंने कैमल राइडिंग की। कैमल राइडिंग के लिए गाइस मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, मेरा बहुत ज़्यादा मन था कैमल राइडिंग करने का, लेकिन रात का टाइम था तो अच्छे से वीडियो एंड पिक्स क्लिक नहीं हो पाई थी, लेकिन मैंने काफ़ी एंजॉय किया गाइस। अरे यहाँ नहीं उतरेगी। 1.5 आवर हो गया था गाइस ऑलमोस्ट हमें घूमते घूमते, सो भूख भी लग रही थी। सो अब हम डिनर के लिए आ गए हैं गाइस। हाय।
सो गाइस यहाँ जो डिनर है उसमें दाल बाटी चूरमा मिलते हैं, जस्ट लाइक कि जहाँ यहाँ पर जैसी भी थीम है राजस्थानी उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिनर एंड लंच मिलता है। सो इसमें देखो चूरमा एंड दिस अचार, लहसुन की चटनी, ग्रीन चटनी, प्याज अभी तक मेरी थाली में देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद गाइस मैं आपको दिखाती हूँ कि फुल थाली मेरी कैसी लग रही थी एंड मैंने क्या क्या खाया। सो दिस इज माई फुल थाली गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस ये जो है ये गट्टे की सब्जी है एंड सेकंड वन इज़ पनीर लबाबदार एंड थर्ड वन इज़ मिक्स वेज। सो फोर्थ में गाइस ये दाल बाटी थी एंड ये फिफ्थ वन इज़ दाल। इसमें गाइस ये बाजरे की रोटी एंड नॉर्मल चपाती भी आपको मिल जाएंगी। इस तरह से गाइस ये चपाती एंड बाजरे की रोटी के ऊपर इस तरह से बहुत सारा घी डाल रहे थे। बहुत ही डिलीशियस डिनर करने के बाद गाइस हमने डांस एंजॉय किया एंड अप्रॉक्स 10:30 हो चुका था गाइस। सो उसके बाद हम घर के लिए निकल ही रहे थे। सो ये बाहर एंट्री की क्लिप है गाइस जब हम रिटर्न हो रहे थे। सो थोड़ा सा सुनसान सा हो गया था गाइस, थोड़ा खामोश सा हो गया था माहौल क्योंकि 10:30 बज चुके थे, इसके क्लोज होने का टाइम हो गया था। सो गाइस वीडियो के आखिर में बात कर लेते हैं इसकी थोड़ी सी इन्फो के बारे में, इस जगह के बारे में। सो इसमें जो अडल्ट की टिकट थी गाइस वो 499 में है एंड जो चिल्ड्रंस की टिकट है वो 399 में है। इन दैट टिकट गाइस आपको उस पर फूड अवेलेबल होगा, अनलिमिटेड फूड होता है गाइस। एंड इसके बाद जो एक्टिविटीज़ है मेहंदी एंड कठपुतली डांस एंड मैजिक शो एंड काफ़ी और भी चीज़ें हैं जो मैंशन है गाइस, मैंने आपको जो क्लिप दी है उसमें चार्ट में मेंशन है सारी चीज़ें। तो गाइस ये मुझे काफ़ी अच्छी जगह लगी, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में थी। नेक्स्टली गाइस अगर हम इसके एड्रेस की बात करें तो गाइस ये नोएडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन के पास 1 किलोमीटर दूरी पर है गाइस, आप किसी भी कन्वीनियंस से वहाँ पहुँच सकते हैं गाइस। सो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, ऑल्सो शेयर माई वीडियो एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइज़।